हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंगल प्लेटफॉर्म किचन, जो कि 10 फीट का है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से ये पूरा 10 फीट है। सो इस वीडियो में अभी मैं दो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, जैसे कि फर्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज और सेकेंड रहेगा उसका डिज़ाइन, उसका हमने डिज़ाइन कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो इस किचन का जो लेआउट था वो बेसिकली यहाँ पर पीछे ना ओपन स्पेस था और उसका जो एंट्रेंस था वो यहाँ से था, लेकिन अभी इस लेआउट में हमने एंट्री यहाँ से किया हुआ है। तो जैसे कि हमने एंट्रीज है वो स्वाइप किया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं अभी सिविल से। जैसे कि हमने ये जो हाइट लिया हुआ है वो कभी भी स्टैंडर्ड में आपको हाइट बता देता हूँ, जो स्टैंडर्ड किचन का हाइट होता है वो 32 से स्टार्ट होता है, 32 से 35 तक वो वेरी करता है, जैसे कि क्लाइंट्स के जो हाइट होते हैं उसके हिसाब से वो वेरी करता है। और जो यहाँ पर जो डीप होता है वो 2 फीट मिनिमम होना ही चाहिए, और जो सर्विस काउंटर होता है उसका 1.5 फीट होना चाहिए मिनिमम। एज़ पर इंडियन कल्चर अगर देखा जाए तो इसका जो प्लेटफॉर्म का जो विड्थ होता है वो 27 इंचेस होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर रोटी इजीली बना सको, इसलिए वो जो डेप्थ है वो अपन बढ़ा रखते हैं। सो ये था फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल का। अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जैसे कि मैं अभी क्लीनिंग पर्पज आपको बताऊँगा। तो ये जो आप ट्रॉलीज देख सकते हो, ये वाले, तो ये हमने रिमूवेबल ट्रॉलीज किए हुए हैं, जो कि इस तरह से रिमूव होते, नहीं तो पर्टिकुलरली जो ट्रेडिशनल थे ना वो यहाँ पर ही उसके चैनल लगते थे, तो वो इजी टू क्लीन नहीं थे, आपको मतलब वो क्लीन करते वो हाथ में लग सकता है। तो ये कैसे, आप डायरेक्टली ट्रॉली निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली सिंक पर जाके उसको क्लीन करके वापस रख सकते हो। तो ये था सेकेंड प्रैक्टिकल हमने, और ये हमने सब ट्रॉलीज में किया हुआ है। सो यहाँ पर हमने 5 ट्रॉलीज किए हुए, जो कि 3 स्टैंडर्ड है और 2 बड़े वाले ट्रॉलीज है। और उसके बाद तीसरा अगर मैं बताऊँ पॉइंट, तो ये जो स्कर्टिंग होती है, तो कभी भी स्कर्टिंग रहेगा तो अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पर सिविल में ही स्कर्टिंग क्रिएट किया था। तो स्कर्टिंग का आपको मैं यूज़ बताता हूँ। जैसे कि अभी आप कोई शटर खोल रहे हो तो आप ये इजीली खोल सकते हो, तो आपको इसे पीछे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्कर्टिंग नहीं होता तो आपको पीछे आना पड़ता, लेकिन अगर स्कर्टिंग होने के वजह से आप यहाँ से भी इजीली खोल सकते हो, तो कि आपको पैर को लगे ना, इसके वजह से ये स्कर्टिंग क्रिएट किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट ये है, ये जो माइक्रोवेव है यहाँ पर हमने अलग से स्लैब क्रिएट किया है, ताकि यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो, ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होगा, नहीं तो कहीं कहीं जगह पर ये नीचे रखते तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट ये है, ये जो स्विच बोर्ड है ये आपको कभी भी प्लेटफॉर्म के पास में रहेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी मिक्सर लगा सकते हो, ब्लेंडर लगा सकते हो, टोस्टर लगा सकते हो, आपको इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो, आप वहाँ पर तो दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर सिंक है, तो यहाँ पर ही रहेगा तो मोस्टली वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये थी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे डिज़ाइन को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। सो यहाँ पर हमने गैस के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, ये पूरा सेक्शन गैस के लिए है। ये हमने छोटा सा पुल आउट दिया हुआ है, यहाँ पर आप इजीली स्पाइसेस वगैरह, और ये अपना जो कटलरी अपन यूज़ करते हैं उसके लिए है, यहाँ पर कोई भी आप बड़े वेसल्स रख सकते हो उसके लिए ये प्रोविज़न दिया हुआ था। और यहाँ पर जैसे कि डस्टबिन आप रख सकते हो, और ये हमने ओवरहेड स्टोरेज यहाँ पर क्रिएट किया था। सो यहाँ पर आपका वाटर प्योरीफायर आ जाता है, यहाँ पर भी यहाँ पर आपके मिक्सर्स ग्राइंडर्स यहाँ पर आ सकते हैं, ताकि आप इजीली निकाल के यहाँ पर यूज़ कर सको। यहाँ पर हमने एक ओपन शेल्फ दिया हुआ है, ताकि रूम बहुत कॉम्पैक्ट ना लगे। यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत आसान हो और एक एम्बियंस क्रिएट हो इसके लिए। और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो बेज कलर का है, जो हैंडल्स है वो हमने ब्लैक कंसिडर किए, तो यहाँ पर हमने नॉब्स भी लगाए थे जो कि ये एक्सेंट का काम करता है। सो यहाँ पर ये कैच है कि ये जो शटर्स है वो बड़े शटर्स है, आप नीचे से भी डायरेक्टली हैंडललेस जैसे आप खोल सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर आपको अगर हैंडल यूज़ करना है तो आप हैंडल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट मल्टीपर्पज़ यूज़ है। यहाँ पर हमने जो ये हमने टैप दिया है वो एक मूवेबल टैप है, तो ये आपको ईजी टू क्लीन है, ये बहुत ही यूज़फुल है। सो किचन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।